गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, तो इसीलिए आज मॉर्निंग क्लास ले रही हूँ। तो सबसे पहले आज का थॉट देख लेते हैं हम। आपके सामने लिखा है आज का थॉट, क्या लिखा है? भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो हमें हमेशा सही रास्ता चुनना है। भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जरूरी नहीं वो रास्ता सही है। हमें जो रास्ता सही लगता है, हमें वो चुनना है और उस रास्ते पर चलना है, चाहे वो रास्ता हमें अकेले ही चलना पड़े। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, क्वांट्स की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा जो भी क्लास होगी आपकी, उसकी भी मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? जिन बच्चों का एसबीआई मेंस का क्लर्क का प्री का पेपर क्लियर हुआ है उनके लिए, और जिनको लगता है कि उनका आईबीपीएस प्री या आरआरबी प्री क्लियर हो जाएगा और अपकमिंग मंथ में उनका मेंस का एग्जाम आएगा, तो उनके लिए मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ मई से अक्टूबर के 2020 के टॉप 200 करंट अफेयर्स, जिसका मैं आज आपको करवाऊंगी पार्ट वन। तो सिर्फ 200 करंट अफेयर्स हैं इन 6 मंथ्स के, जिनमें से पेपर आ जाएगा, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने बहुत ही चुनकर 200 करंट अफेयर्स निकाले हैं मई से अक्टूबर तक के, और ये मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर बेस्ड। हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लगता है उसमें, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स हमें 6 महीनों के करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, और ये क्या होंगे, बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। ये रिवर्स में जाएंगे, अक्टूबर से मई की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले, इंडिया प्रीमियम कॉटन वुड बी नॉन बाय व्हाट नेम इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसको वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? तो क्या है इसका आंसर? कस्तूरी कॉटन। What is the right answer? Kasturi cotton. The Kasturi cotton brand will represent whiteness, brightness, softness, purity, luster, uniqueness and Indianness. इसको मैं एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ क्वेश्चन को। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर इस उत्तर क्या है? कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ही आपको पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बोल दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। ये नहीं आपको करना कि अगर मैं शेयर करूंगा तो उसको भी ये चीजें पता लग जाएंगी या जो भी है। तो कंपटीशन का मजा तभी आता है जब उसमें ज्यादा लोग जुड़े हों। तो आप ये क्लास करिए, मैं इसका एमसीक्यूज का आपका एक सेशन लूंगी जिसमें आपकी पोलिंग होगी। आप आंसर जो है वो साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो कंपटीशन को अगर आपको बढ़ाना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैव अबॉलिश्ड द इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज। गवर्नमेंट ने कितनी स्टेट्स एंड यूटीज में जो इंटरव्यू है गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको खत्म कर दिया है? 23 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सरकार ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है? 23 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन राज्यों में अब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यूज होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए वो नहीं होंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The Prime Minister Narendra Modi has released a commemorative coin of 100 rupees in honor of which personality? तो ये हमने करंट अफेयर में भी क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले. तो प्राइम मिनिस्टर ने 100 रुपीज का क्वाइन कमेमोरेट किया है किस पर्सनालिटी के ऑनर में? विजय राजे सिंधिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस व्यक्तित्व के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? द आंसर इज विजय राजे सिंधिया. आपको ये सिर्फ नेम याद रखना है और कितने रुपए का क्वाइन कमेमोरेट किया है? 100 रुपए का स्मारक सिक्का, यहाँ पे कमेमोरेटिव क्वाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं USAID, ज्वाइंटली लॉन्च द इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम IEMF अंडर द US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नीति आयोग. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ किसने किया है? नीति आयोग. इसका ये यहीं पे सेम नाम दिया, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने संयुक्त रूप से US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम का शुभारंभ किया. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? नीति आयोग. यहाँ पे इसको नीति को NITI लिखा है इन्होंने, ठीक है. और इसका वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से ना याद रखना इजी होता है, तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो दो बन जाते हैं क्वेश्चन. तो आप क्वेश्चन के बेस पे इसको याद रखिए, थ्योरी पढ़ने से बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एंटी रेडिएशन मिसाइल रिसेंटली, व्हाट वाज इट्स नेम? इंडिया ने अभी अभी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की है, सक्सेसफुली वो टेस्ट फायर हो गई है. तो उसका नेम क्या है? रुद्रम. यू हैव टू रिमेंबर द आंसर, रुद्रम. इट हैज बीन डिवेल्प बाय DRDO. ये किसने डिवेल्प की है? DRDO. भारत ने हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या था? रुद्रम. और इसे किसने विकसित किया है? DRDO ने. DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है? आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है. विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एंड मोव विद द सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग? कौन से इंस्टीट्यूट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ? CDAC पुणे. टू सेट अप रुपीज 17 करोड़ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, 17 करोड़ रुपए की कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए. तो ये किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने. किस संस्थान ने 17 करोड़ रुपए की सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है IIT गुवाहाटी. आपको रिमेंबर करना है, मतलब नाम याद रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, IIT गुवाहाटी. और किसके साथ किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग. तो ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि IIT गुवाहाटी ने किसके साथ किया है या फिर CDAC ने किसके साथ किया है, ठीक है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH हैज सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर इन हैदराबाद. सो माय आंसर इज इंटेल इंडिया ऑन द इनॉगरल सेशन ऑफ ऑल AI 2020 वर्चुअल समिट ऑन October 13, 2020 द इंटेल इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिसर्च INAI सेंटर इन हैदराबाद. एक बार हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ कौन से संघ ने हैदराबाद में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? माय आंसर इज इंटेल इंडिया 13 अक्टूबर 2020 को All.AI20 वर्चुअल समिट के उद्घाटन सत्र में इंटेल इंडिया ने हैदराबाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र के शुभारंभ की घोषणा की. So you have to remember only the answer this one, Intel India. Okay. My next question is, which state government has announced a digital Seva Setu program to ensure optimum utilization of technology for public welfare in rural areas? कौन सी state government ने
अनाउंस किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, किस लिए? यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, यूज हो पब्लिक वेलफेयर के लिए इन रूरल एरियाज। तो माय आंसर इज गुजरात। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? सो आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लैब ऑन व्हील्स टू टेस्ट द वाटर क्वालिटी इन द स्टेट अंडर जल जीवन मिशन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम या एक प्रोग्राम लॉन्च किया है लैब ऑन व्हील्स, मतलब ये एक व्हीकल लॉन्च किया है लैब ऑन व्हील्स, वो किस लिए? कि ये वाटर की क्वालिटी चेक करेगा स्टेट में, कौन से मिशन के अंडर? जल जीवन मिशन के अंडर। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए लैब ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? सो माय आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये किया है। कौन सी गवर्नमेंट ने? देखिए एक बार आप ये जो क्वेश्चन है ना इनको नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है? हरियाणा गवर्नमेंट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल। कौन सी ऐसी स्टेट है कंट्री में सबसे पहली जिसने पब्लिक एजुकेशन को कंप्लीटली डिजिटल बना दिया है? द राइट आंसर इज केरला। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? सो द राइट आंसर, माय आंसर इज केरला। केरला ये सबसे ज्यादा मतलब लिटरेसी में भी ये आगे रहता है हर चीज में, मतलब अगर आप देखेंगे ना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये केरला सबसे पहले ही होगा, तो इसमें कोई भी मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब इसने क्या किया है कि पब्लिक एजुकेशन को कंप्लीटली डिजिटल बना दिया, तो कौन सी स्टेट ने? केरला। कंट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है, किसी स्टेट ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF हैज अनाउंस्ड दैट इट विल होल्ड इट्स एनुअल मीटिंग इन लिसन बर्कनस्टॉक स्विट्जरलैंड फ्रॉम, कब से लेकर कब तक करेंगे? मई 18 टू 21, 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या अनाउंस किया है कि ये अपनी एनुअल मीटिंग लुक्सेमबर्ग स्टॉक स्विट्जरलैंड में करेंगे, कब से लेके कब तक? 18 मई से लेके 21 मई तक 2021। द एनुअल मीटिंग 2021 विल बी प्रीसीडेड बाय हाई लेवल डेवोस डायलॉग्स। द डेवोस डायलॉग्स विल बी डिजिटली कन्वेंड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अराउंड 25 जनवरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वे अपनी वार्षिक बैठक लुक्सेमबर्ग स्टॉक स्विट्जरलैंड में आयोजित करेगा, कब से लेकर कब तक? 18 से 21 मई 2021 तक। वार्षिक बैठक 2021 उच्च स्तरीय दावोस डायलॉग से पहले होगी। दावोस डायलॉग्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 25 जनवरी के आसपास डिजिटल रूप से बुलाया जाएगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which country has test fired the hypersonic cruise missile called Sirkan भी बोल रहे हैं, Sirkan भी बोल रहे हैं, कुछ भी नेम है इनका, मतलब दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, successfully in the White Sea on October 7, 2020। कौन सी कंट्री ने hypersonic cruise missile जो है जिसका नेम दिया गया Sirkan या Sirkan, उसको successfully test fire कर दिया White Sea में on 7 October 2020? तो my answer is Russia। किस देश ने 7 अक्टूबर 2020 को सफेद सागर में सफलतापूर्वक Sirkan नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर इस हिंदी में इसको रूस बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री एम्ड एट एनहेंसिंग कॉपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर स्पेस एंड टू मिटिगेट थ्रेट्स टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कौन सी यूनियन कैबिनेट ने एग्रीमेंट में कौन सी कंट्री को ये किया है? जापान को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साइबर स्पेस और संचार नेटवर्क के लिए खतरों को कम करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? तो आंसर इज जापान।
ये जो मतलब इंटरनेट पे जो होते हैं ना, हैक हो जाते हैं, हमारी आईडीज हैक हो जाती हैं, या जो भी साइबर क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है। और ये किसको किया है? जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट? तो आंसर क्या है? अर्जेंटीना। अनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं को मंजूरी देने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया? अर्जेंटीना। जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट, इसको अप्रूव करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो, कि किसको अप्रूव किया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट, और किसने किया? अर्जेंटीना ने। द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एबोला वायरस ट्रीटमेंट ड्रग नेम्ड इनमाजेब। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने डैश नामक पहली इबोला वायरस उपचार दवा को मंजूरी दे दी है। आंसर इज इनमाजेब। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इनमाजेब जो है उसको किसने मंजूरी दी है? किसने दी है? USFDA ने। और ये किसके लिए है? अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA है, उसने इनमाजेब नाम के ड्रग को अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए है? एबोला वायरस ट्रीटमेंट के लिए। कौन से वायरस को, मतलब उस कौन से वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है? एबोला वायरस ट्रीटमेंट। तो मेरे यहाँ से तीन क्वेश्चन बन गए, ये वाला USFDA वाला, एबोला वायरस, और उस वैक्सीन का ड्रग का नेम क्या है? इनमाजेब। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को देखना है। तीन क्वेश्चन बन गए मेरे एक ही क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रशिया हैज अप्रूव्ड द सेकंड COVID-19 वैक्सीन कॉल्ड द एपिवैकोकोरोना। रूस ने दूसरे COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है जिसे कहा जाता है एपिवैकोकोरोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉपर्टी कार्ड्स की कौन सी स्कीम के अंडर? स्वामित्व। अंडर दिस स्कीम बेनिफिशरीज ऑफ स्वामित्व स्कीम कैन यूज द प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इस स्कीम के अंडर जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है वो अपनी इसको फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज करेंगे लोन्स और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है? द आंसर इस स्कीम का नेम क्या है? स्वामित्व। इस योजना के तहत स्वामित्व योजना के लाभार्थी संपत्ति का उपयोग ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स इन द हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय ऑक्सफर्म। तो कितना रैंक आया उसका? 155। इंडिया का कौन सा रैंक आया हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स 2020 में, जो ऑक्सफैम ने रिलीज किया है? 155। भारत ने ऑक्सफैम द्वारा जारी स्वास्थ्य खर्च सूचकांक 2020 में रैंक किया है 155वां, 155, मतलब 155 नंबर पे है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा हिंदी के वो बोलने के ना न्यूमेरिक वैल्यूज वो थोड़ा याद नहीं रहता कैसे बोलना है, काफी टाइम से बोला नहीं है। द 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बाय डैश। तो आंसर क्या है? UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते। द 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ 16 डिफरेंट केस स्टडीज ऑन सक्सेसफुल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर हैजर्ड्स सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हरिकेन्स, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर्स, डेजर्ट लॉकस्ट, डस्ट एंड सैंड स्टॉर्म्स, सेवर विंटर्स एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। तो एक बार इसको हिंदी में देख लेते क्वेश्चन को। 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज के रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर डैश द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जारी की गई थी। तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन WMO। 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज की रिपोर्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव, जंगल की आग, रेगिस्तानी टिड्डियां,
धूल और रेत के तूफान, गंभीर सर्दियां और ग्लेशियल झील के प्रकोप जैसे खतरों के लिए सफल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर 16 अलग अलग मामलों के अध्ययन शामिल हैं। तो जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी इसमें बात की गई है, तो उनके जो अलग मतलब उनके जो पहले से ही उनकी वार्निंग्स दी जाने वाली होती हैं उसके लिए क्या किया है, 16 अलग अलग मामलों के अध्ययन शामिल किए गए हैं। ठीक है, 16 डिफरेंट केस स्टडीज उसमें शामिल की गई हैं। उसके बिहाफ पे मतलब ये आगे से क्या करेंगे, प्रेडिक्शन किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल लैंसेट, इंडिया इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय डैश। सो आंसर इज 2050। एक स्टडी है पब्लिश की गई है मेडिकल जर्नल लैंसेट इंडिया की, कि उसमें क्या बताया गया कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की, कब तक, 2050 तक। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लैंसेट इंडिया डैश द्वारा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, कब तक, 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच टेक कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE टू एम्पावर स्टूडेंट्स एजुकेटर्स इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, डाटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। किस तकनीक कंपनी ने छात्रों को शिक्षित करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ भागीदारी की है? अगली पीढ़ी की तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। सो आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट। विच टेक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। सिर्फ ये याद रखना कौन सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, और किसके साथ किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी द रेपो रेट अंडर द LAF हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड एट व्हाट रेट। थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर रेपो रेट जो है LAF के अंडर जो आती है उसको अनचेंज किया है, किस रेट पर, 4% पर। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट एंड बैंक रेट हैव बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 4.25%। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस TLTRO फॉर बैंक्स टू बोरो अप टू ₹1 trillion। तो ये कितना मतलब कर सकते हैं, 1 trillion तक, और कितनी रेशो जो मतलब परसेंटेज है वो कितनी मतलब है जो अनचेंज्ड है, 4.25। तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार LAF के तहत रेपो दर को किस दर पर अपरिवर्तित रखा गया है। आंसर क्या है, 4%। सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर को 4.25% 2.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 trillion रुपए तक के ऋण के लिए बैंकों के लिए ऑन टैप लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन TLTRO की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड named ACE का credit card with the focus on increasing participation of users in the digital economy partnership with Google Pay। कौन से बैंक ने किया है Google Pay के साथ ये पार्टनरशिप, किस लिए, ACE credit card को लॉन्च किया है किस लिए, ताकि यूजर जो है उनकी डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें और ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक। तो दो तरह से याद रखना है क्वेश्चन को, किस कौन सा है, एक्सिस बैंक किसके साथ किया, गूगल पे के साथ। ये भी पूछ सकते हैं गूगल पे ने किया है कौन से बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के साथ। और क्या किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं न्यू एंट्री लेवल के, तो क्या कौन सा क्रेडिट कार्ड है, ACE क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने ACE क्रेडिट कार्ड नाम के एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें गूगल पे के साथ डिजिटल इकोनॉमी साझेदारी में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंसर इज एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द 2020 नोबेल प्राइज इन डैश इज अवार्डेड टू इमैनुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉर्डना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। तो 2020 नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला है इन दोनों को,
एमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना को केमिस्ट्री में। तो ये याद रखना है कि केमिस्ट्री में मिला है और किसको किसको मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। और किस लिए मिला है, डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। डैश में 20 पीस का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डूडना को जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए से सम्मानित किया गया है। सो आंसर इज रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज अवॉर्डेड टू द अमेरिकन पोएट, कौन सा है, लुइस ग्लक। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया है कब, 2020 का, वो किसको दिया है, अमेरिकन पोएट लुइस ग्लक को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि को दिया गया है, यहाँ पे जाता है नहीं, दिया गया है किसको दिया गया है, लुइस ग्लक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2020 वॉज अवॉर्डेड टू पॉल आर मिलोग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी। तो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स 2020 है वो किसको दिया गया है, पॉल आर मिलोग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को, किस लिए, इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी। तो दो तरह से याद रखना है, ऑक्शन थ्योरी के लिए किसको मिला है, मिलोग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को, और कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2020। They were awarded for improvements to auction theory and also for inventing new auction formats. अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए पॉल आर मिलोग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन को जवाब में सुधार के लिए सम्मानित किया गया, नीलामी के सिद्धांत, किस लिए, नीलामी के सिद्धांत, यहाँ पे उसको क्या बोला है, ऑक्शन थ्योरी, उन्हें नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए और नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये सिर्फ आपको गिने चुने क्वेश्चन करवा रही हूं मैं 6 महीने के, अगर आपको ये थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं तो तब भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में से ही आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप 200 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर डैश पास्ड अवे रिसेंटली, ही आल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर। माय आंसर इज अश्विनी कुमार। अभी अभी फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं वो मतलब गुजर गए, और उन्होंने गवर्नर भी, मतलब एज अ गवर्नर भी वो रहे हैं नागालैंड और मणिपुर के, उनका नेम क्या है, अश्विनी कुमार। ये भी पूछ सकते हैं कि अभी अभी जो अश्विनी कुमार है वो अभी मतलब कौन सी डेजिग्नेशन पे थे, सीबीआई डायरेक्टर, ये पूछ सकते हैं, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार जो है वो गवर्नर रह चुके हैं कौन सी जगह के, नागालैंड एंड मणिपुर के। इसके अलावा कुछ और पढ़ लेते हो ऑब्चुरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज प्रेसिडेंट फॉर विच पॉलिटिकल पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान भी अभी अभी गुजर गए, और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लोक जनशक्ति पार्टी के। जस्टिस के उषा पास्ड अवे, शी वॉज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। तो जस्टिस के उषा जो है, जो जज थे वो भी मतलब गुजर गई है, फर्स्ट वुमेन थी जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट के। इंडियन स्पोर्ट्समैन कार्टन चैपमैन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। एक इंडियन स्पोर्ट्समैन कार्टन चैपमैन है वो भी गुजर गए, वो कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे, कौन सी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे, फुटबॉल के साथ। पूर्व सीबीआई निर्देशक डैश का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो आंसर है अश्विनी कुमार। उसके अलावा देखते हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति के उषा का निधन, वह केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारतीय खिलाड़ी कार्टन चैपमैन का निधन हाल ही में फुटबॉल से जुड़ा हुआ था, जो मतलब कार्टलैंड चैंपमैन थे वो भी मतलब उनका भी निधन हो गया, वो कौन सी खेल से जुड़े थे, फुटबॉल से। नेम्स याद, ये भी सिर्फ ये क्वेश्चन और ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए ये साथ में बताए हैं, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हु हैज वन द 2020 आईफेल ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट नर्गरबर्गरिंग इन नर्गरबर्ग जर्मनी। तो ये किसने जीता है 2020 आईफेल ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन। दिस इज हैमिल्टन सेवेंथ विन ऑफ द सीजन एंड 91st करियर रेस विक्ट्री।
विच वॉज टिल नाउ अचीव ओनली बाय माइकल स्क्रमकर। इससे पहले सिर्फ किसने ये अचीव किया था? माइकल स्क्रमकर ने। और ये कहां पे हुआ है? नर्बर्गरिंग इन नर्बर्ग जर्मनी। जर्मनी के नर्बर्ग में नर्बर्गरिंग में आयोजित 2020 एफिल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर इज लुइस हैमिल्टन। ये हैमिल्टन की 17 की 7वीं जीत और करियर की 91वीं जीत है, जो अब तक केवल माइकल शुमाकर ने हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द मेंस 2020 फ्रेंच ओपन सिंगल। तो किसने जीता? राफेल नडाल। वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज हिज 13th फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल एंड 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल। द स्पैनियर्ड डिफीटेड नोवाक डिजोकोविच। वुमेन्स 2020 फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल हैज वन बाय इगा स्वीटेक। ये दोनों याद रखने आपने। मेंस किसने जीता है? राफेल नडाल। एंड वुमेन्स किसने जीता है? इगा स्वीटेक। तो आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि राफेल नडाल एंड इगा स्वीटेक कौन सी कंट्री से हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निहाल सरिन वन द 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। और ये भी बताएंगे निहाल सरीन जो है वो कौन सी कंट्री से है। निहाल सरीन ने क्या जीता है? 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। पुरुषों का 2020 का फ्रेंच ओपन सिंगल किसने जीता है? उत्तर, राफेल नडाल ने। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल एक खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। स्पेनियार्ड ने नोवाक जोकोविच को हराया। महिलाओं का 2020 का फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल इगा स्वीटेक ने जीता है। निहाल सरीन ने 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो तीनों का आपको मुझे बताना है, राफेल नडाल, इगा स्वीटेक और निहाल सरीन। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीनों कौन सी कंट्री में है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नीति आयोग द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया हैज ऑर्गेनाइज विच ग्लोबल सिंपोजियम वर्चुअली ऑन अक्टूबर 6, इंडिया पीवीएस 2020। तो ये क्या है इस प्रोग्राम का नाम? ग्लोबल सिंपोजियम वर्चुअली किस कब किया? अक्टूबर 6 को। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इंडिया पीवीएस 2020। द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू कैटेलाइज कटिंग एज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो नीति आयोग ने किया है, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया, इसने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है? ग्लोबल सिंपोजियम वर्चुअली ऑन अक्टूबर 6, मतलब 6 अक्टूबर को किया है और वर्चुअली किया है। कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? इंडिया पीवीएच 2020। नीति आयोग द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया ने 6 अक्टूबर को वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका क्या नाम है? ईडी इंडिया एच, यहाँ पे ईडी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, इंडिया पीवीएच 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के अत्याधुनिक सौर ऊर्जा विनिर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्चुअल समिट रेस 2020। रेस की फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज की है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं? मैती। एंड नीति आयोग, दो जनों ने की है, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन ने की है, मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। 61,000 स्टेक होल्डर्स फ्रॉम 140 कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड टू पार्टिसिपेट इन रेस 2020। 61,000 स्टेक होल्डर्स जो 140 कंट्रीज से हैं, उन्होंने इसमें रजिस्टर किया है, किसमें? रेस 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट 2020 रेस 2020 सोशल एम्पावरमेंट 2020 के लिए जिम्मेदार एआई यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया है। ये डैश द्वारा आयोजित किया है गया है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैती और नीति आयोग। 140 देशों के 61,000 हितधारकों ने रेस 2020 में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया है। क्या किया है? रजिस्ट्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू मो वाज साइंड बिटवीन
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC एंड डैश इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन मटेरियल्स एक्सेसिबल फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? NCERT। बधिर बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए शिक्षा सामग्री सुलभ बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन या MOU को पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? NCERT के लिए, NCERT के साथ। और किन के लिए किया है? डेफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन वॉज लॉन्च ऑन द ओकेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द, ये कैंपेन है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन, और ये कब किया गया? गंगा रिवर डॉल्फिन डे पर। और ये किसने लॉन्च किया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मेरी गंगा मेरे डॉल्फिन अभियान गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। ये अभियान डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन विभाग। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हु हैव लॉन्च्ड अ 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल विग्रह एट अ प्राइवेट शिपयार्ड इन कट्टुपल्ली चेन्नई ऑन October 7, 2020। किसने लॉन्च किया? इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने लॉन्च किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नेम है विग्रह। दीज वेसल्स हैव बीन बिल्ट एंड डिजाइन बाय लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये डेवलप की गई है, और कौन सा इनिशिएटिव के अंडर? मेक इन इंडिया। 7 अक्टूबर 2020 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एक निजी शिपयार्ड में 98 मीटर के अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को किसने लॉन्च किया है? भारतीय तटरक्षक बल इन जहाजों को मेक इन इंडिया पहल के तहत लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया है। तो किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और किस डिजाइन किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो ने। और कौन से इनिशिएटिव के अंडर? मेक इन इंडिया। और किया क्या है? विग्रह ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और कितने मीटर लंबी है? 98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च कॉन्स्टिलेशन ऑफ मैरिटाइम सर्वेलेंस सैटेलाइट्स फॉर द इंडियन ओशन रीजन टू ट्रेस इलीगल स्पिलेज ऑफ ऑयल बाय शिप्स। माय आंसर इज फ्रांस। दिस सर्वेलेंस सैटेलाइट्स विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग शिप्स। तो ये जो सर्वेलेंस सैटेलाइट है वो वर्ल्ड का पहला स्पेस बेस्ड सिस्टम है जो शिप्स को ट्रैक करेगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया एंड फ्रांस ने, इन्होंने कोलैबोरेट किया इसको लॉन्च करने के लिए। भारत और किस अन्य देश ने जहाजों द्वारा तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए, कौन सा? इंडियन ओशन रीजन के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों के तारा मंडल को लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। तो कौन से, किस कंट्री ने किया? साथ में फ्रांस। ये निगरानी उपग्रह दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सिस्टम होगा जो जहाजों को ट्रैक करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैड लॉन्च द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग API इंटीग्रेशन बिटवीन द PM स्वनिधि पोर्टल एंड विच पोर्टल? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल। किस किस के बीच में हुआ है? PM स्वनिधि पोर्टल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना स्टार्ट की गई थी आत्मनिर्भर निधि के तहत, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि पेट्रोल और डैश के बीच पोर्टल और डैश के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API एकीकरण शुरू किया था। तो किसके बीच हुआ है? भारतीय स्टेट बैंक SBI पोर्टल और दूसरा कौन है? PM स्वनिधि पोर्टल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक कंपनी हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स मिनी ऐप टू स्टोर टू सपोर्ट इंडियन डेवलपर्स इन टेकिंग देयर प्रोडक्ट टू द मैसेज इन लाइन विद गूगल। आंसर क्या है? पेटीएम। कौन सी टेक कंपनी ने किया है? पेटीएम। किस टेक कंपनी ने अपने उत्पादों को गूगल के अनुरूप जनता तक ले जाने में भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? सो आंसर इज पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती हैज साइंड मोव विद बॉडी टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। माय आंसर इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, IFFCO। एज पर द मोव, डीडी किसान विल ब्रॉडकास्ट वेरियस इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इन ईजी लैंग्वेज थ्रू 30 मिनट्स प्रोग्राम सीरीज। प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने और बढ़ावा देने के लिए निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, MOU के अनुसार डीडी किसान 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि क्षेत्र की विभिन्न नवीन तकनीकों को आसान भाषा में प्रसारित करेगा। तो 30 मिनट का यह कार्यक्रम रखा जाएगा जिसके माध्यम से क्या होगा, कृषि क्षेत्र के जो विभिन्न नए, मतलब जो डिफरेंट नए टेक्नोलॉजीज हैं, नई तकनीकें हैं, उनको आसान भाषा में लोगों को बताया जाएगा। किनको बताया जाएगा? ज्यादा तो फार्मर्स ही सुनेंगे, फार्मर्स को ही बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर टाइटल्ड एज मोशिक। सो कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIT मद्रास। इट इज अ प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप एसओसी दैट कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एंड एज अ एसओसी डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी अटैच्ड टू इट। इट इज डिजाइंड अंडर शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम, प्रोजेक्ट शक्ति ऑफ IIT मद्रास, which is funded by the Ministry of Electronics and Information Technology, MeITY. किस संस्थान ने एक स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है जिसका नाम मोशिक है? किसने किया है? IIT मद्रास ने। यह चिप एसओसी पर एक प्रोसेसर कम सिस्टम है जो निर्देशों को निष्पादित कर सकता है और एक एसओसी के रूप में विभिन्न घटकों और इसके साथ जोड़ा जा सकता है। इसे IIT मद्रास के शक्ति माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम प्रोजेक्ट शक्ति के तहत डिजाइन किया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeITY द्वारा वित्त पोषित है। सो माय आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? IIT मद्रास, इसने क्या किया है? डेवलप किया है इंडिजीनियस माइक्रोप्रोसेसर जिसका नेम है मोशिक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट वन का। Which state government has launched a unified portal card URISE, Unified Reimagined Innovation for Student Empowerment? कौन सी स्टेट ने किया है? उत्तर प्रदेश। The portal will guide students in learning, career counseling and getting employment in the state. ये portal जो है वो students को guide करेगा learning में, career counseling में और getting employment in the state. The portal has been developed by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. तो ये जो पोर्टल है किसने डिजाइन किया है, किसने डेवलप किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शंस में, सॉरी कमेंट्स में आपको मुझे बताना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहां पर है। किस राज्य सरकार ने छात्र सशक्तिकरण के लिए उदय URISE यूनिफाइड री इमेजिड इनोवेशन को एकीकृत पोर्टल लॉन्च कहा है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। ये पोर्टल छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। पोर्टल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। तो कमेंट सेक्शंस में आपने मुझे क्या बताना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो मेरे ये आज के जो 40 क्वेश्चन है, ये टॉप 200 क्वेश्चन का आपको मैंने पार्ट वन करवाया है। इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाकी पार्ट्स में आपको एग्जाम से पहले, जिनका SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम है उससे पहले करवा दूंगी। और देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं, पार्ट टू है इसका, पार्ट थ्री है एंड पार्ट फोर है, ये भी आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपका एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए।
तो इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 6 महीने के करंट अफेयर्स में। कौन से 6 महीने के करंट अफेयर्स? मई से लेकर अक्टूबर तक। तो आपको अब इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस पे कमेंट सेक्शन में मैंने जो आपको बोला है वो कमेंट कर देने हैं, जो जो मैंने आपको बोला है कि कौन कहाँ से है, कौन सी कंट्री से है और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।